अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज ये का वीडियो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में मास्टर एंड पीएचडी बिन्हीं के लिए अप्लाई करे सब्जेक्ट हो यूके में। अचो तो ॾिसूं था कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आए था उन अप्लाई किएं कजे। फंडेड बाय यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है यूके के तरफा फंडेड होंगी है, ठीक है। प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आर कैंडिडेट फ्रॉम लो मिडिल इनकम कॉमनवेल्थ कंट्रीज फॉर द फुल टाइम स्टडी मास्टर एंड पीएचडी इन यूनाइटेड किंगडम। दीज स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड अंडर द फॉलोइंग सिक्स थीम्स, ठीक है। ये जो छटेगरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेंथ एंड हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी प्रोमोशन ग्लोबल प्रोस्पेरिटी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पीस सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग रिलायंस एंड रिस्पॉन्स टू अक्रॉस द इंक्लूजन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हाँ अचो तो ऐसा इन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ये पाकिस्तानी नेशनल हुए एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आजाद इन जम्मू एंड कश्मीर जो हुए, ठीक है। ड्यूअल नेशनलिटी वालों नॉट एलिजिबल है। बी अवेलेबल टू स्टार्ट एकेडमिक स्टडीज इन द यूके बाय स्टार्ट ऑफ द यूके एकेडमिक इन ईयर सेप्टेम्बर अक्टूबर 2022, मीन्स के उनकी डिग्री पूरी हुए सेप्टेम्बर अक्टूबर 2022 में उते स्टार्ट कर सके स्टडी, ठीक है। फॉर मास्टर के लिए जो है बैचलर रिक्वायर्ड है 16 ईयर, पीएचडी के लिए 18 ईयर, एमएस एमफिल रिक्वायर्ड है, ठीक। उन्हें का पो ही सब जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान ये तो उनके ऑनलाइन फॉर्म में देखो है उनके ई दिसो ही पढ़ो ही मेजर आए तो जेके डॉक्यूमेंट है ना रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जी घुर्जन हो जो कि अनेबल टू अफोर्ड स्टडी, माना वो पर्सन हो जी जेको यूके में स्टडी अफोर्ड न कर सकन हो जी विदाउट एन स्कॉलरशिप, ठीक। उन्हें का पो जेको है एचसीसी तो का इन स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट वठन उन टेस्ट में मिनिमम 70 परसेंट स्कोर आनो है। वो टेस्ट के बारे में दिसंदासी तो टेस्ट था है, ठीक है। उन्हें का पो एप्लीकेशन प्रोसीजर दिसंदा एप्लीकेशन प्रोसीजर था है। इन्हें जो को एप्लीकेशन प्रोसीजर आए इन में तो वहाँ के बिन जगह इनके अप्लाई करो है को कॉमनवेल्थ वारन जी पहन जी वेबसाइट पे और बियो एचसीसी के पोर्टल पे इन पे ऐसा अप्लाई करियो था ये दिसंदा की अप्लाई के पहले ऐसा इनकी डेडलाइन के लिए डेडलाइन चाहे फॉर हैक पोर्टल डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1st November। हैक के पोर्टल के लिए तुम्हें 1st November तक सजो फॉर्म तुम्हें फिल करो है पोर्टल से। एंड फॉर कॉमनवेल्थ पोर्टल ऑल द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एंड ऑल मैंडेटरी फील्ड्स कंप्लीटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म 1st November। एट लीस्ट योर एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय 22nd November 2021, मीन्स के तमाम जो अप्लाई थे जो उनमें 1st November तक कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई थे हुए वेबसाइट पे अप्लाई थे हुए उन्हें का पो 22nd तक तमाम जो उनका सजो प्रोसीजर जो के उनमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो भी तमाम जी पूरी हुए। एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दोस्तों था एप्टीट्यूड टेस्ट था किए थी दी हैक एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है पाकिस्तान विल कंडक्ट द हैक टेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन विजिट ऑफिशियल का लुक तमाम वेबसाइट पे वनी वधी के ने बारे में दिसी सको था। डिफिकल्टी लेवल आज टेस्ट विल बी इक्विवेलेंट इन टू इंटरनेशनल जीआरई जो अग में तमाम स्कॉलरशिप के लिए इंटरनेशनल जीआरई दींदा हो हाँ उन बदला ही है की टेस्ट वठंदी इन टेस्ट के जरिए सिलेक्शन कंदी जे उन सिलेक्शन में तवा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस भी दिखी वेंदी जेका तवा जी प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस रही हुई है मेरिट जेको है वो उन का पो ठाई वेंदी इन टेस्ट स्कोर। टेस्ट जेको है वो डिफरेंट स्टडी बैकग्राउंड के लिए डिफरेंट है जी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आईटी के लिए है। इंग्लिश उनकी होंगी 30% इंग्लिश रीजनिंग 30% एनालिटिकल रीजनिंग 30% एंड क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग 40% ये मैनेजमेंट साइंस एंड बिजनेस को जो है इंग्लिश 30% एनालिटिकल रीजनिंग 40% एंड क्वांटिटेटिव एंड मैथ जो होंगी 30% होंगी ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के लिए 40% होंगी इंग्लिश रीजनिंग 35% होंगी एनालिटिकल रीजनिंग एंड 25% होंगी क्वांटिटेटिव मैथ रीजनिंग। उन्हें का पोज़ को है एग्रीकल्चर जेके वगैरह भी आए बायोलॉजिकल साइंस मेडिकल सबनी जला चाहूंगी 40% इंग्लिश 30% एनालिटिकल रीजनिंग एंड 30% क्वांटिटेटिव मैथ इन इट मींस ये सबनी जला ये रिक्वायरमेंट्स हुंदे तवा जे बैकग्राउंड का आयो तवा उन की तैयारी ये का शुरू कयो थी तवा टेस्ट में सुठो स्कोर हणी सको वरी मां बुधाइंदो ना ये मास्टर एंड पीएचडी बिनी जले अप्लाई करे सको था तवा मां ते विचार में वध का वध सिंधी इन में अप्लाई कन त जे पंजो करियर था
है एंड पंजे जो है पोएम के लिए भी मददगार साबित कर अचो तुम एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेशन में अप्लाई किए कब एप्लीकेशन प्रोसेस से सभी का पे स्टेप वन जो है अप्लाई करो है कॉमनवेल्थ की वेबसाइट से उन्हें हैक की वेबसाइट से अप्लाई कर हैक की वेबसाइट से जैसे अस अप्लाई कंदी तो उनमें पहले पोर्टल चाहिंदी उनमें अंदर वही लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में स्कॉलरशिप के ऐसी तो उत असमत पई होंगी या एक स्कॉलरशिप कॉमनवेल्थ उनमें जैसे तुम हैक के पोर्टल से अप्लाई कद तो अप्लाई करल तुम कद चालान सबमिट कद 800 रुपये जो हैक के अकाउंट में डिपोजिट कद कें भी HPL की ब्रांच में वही तो शहर की कें भी HPL की ब्रांच में वही ये जो अकाउंट नंबर है 1742790013341 इनमें तुम वही डिपोजिट स्लिप फिल कद पे करने पिक्चर कटो वो पिक्चर तुम पे पोर्टल से अपलोड कद एविडेंस तो असा केस की फी पे कई है अचो तो हलूँ था प्रोसीजर की तरफ दिसूँ कि फर्स्ट प्रोसीजर क्या है तो मैं इतने क्लिक तो करें में क्लिक कदी या लिंक असें डिस्क्रिप्शन में दई था छोड़ तुम्हें उतने आसानी से मिली वे ठीक है हाँ पे पे पुछे तो वाट इज यूर नेशनलिटी जी ही तुम लिंक से क्लिक किया पोर्टल अची वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के नाले से कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मास्टर्स एप्लीकेशन मास्टर्स की एप्लीकेशन क्लिक किया मास्टर्स एप्लीकेशन जो उनमें असो कंट्री सिलेक्ट कदी पाकिस्तान ठीक है नेक्स्ट कदम जी नेक्स्ट कियोसी सेकेंड ही फॉर्म खुली आयो है इतने तुम पी रजिस्ट्रेशन कद ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर छी है तुम पे यूजर नेम लिख यूजर नेम याद रखो पासवर्ड कंफर्म पी ईमेल ऑलरेडी अप्लाई कर छोड़ तीन री फॉर्म तो ओपन क्या सर अप्लाई किया एडिट कैप्लीकेशन के सभी का पे पे तो ठीक है इंटरव्यू करंट तुम सिटीजन आयो अस पाकिस्तान में आया तो वरी भी इतने पाकिस्तान कदी नेक्स्ट ठीक है उन्हें ही क्वेश्चन आए तो बाय एंड ऑफ सेप्टेंबर ही तुम क्लेरिफिकेशन वा तुम सेप्टेंबर 2022 तक उतने अवेलेबल होंद ठीक है ये सब ये प्रोसेस मुझे फिल थो बदलती थी वे जो फिल कर ठीक है ये सजा ये तॉर्म ये फिल कह जी फील्ड्स फिल कह वो तो पा ही कंप्लीट थी वी तबर पजंदी वी तो केतरी असि थी है ठीक है उन्हें नेक्स्ट क्यों था उन्हें नेक्स्ट ठीक है आर यू कैन मास्टर्स में रजिस्टर कर लिखो यस ठीक है उन्हें तुम अकेडमिक रिकॉर्ड एड कहे देखो तुम्हारा है मास्टर बिजनेस जो भी है एम फिल कॉमर्स में क्या पे तो मुझे एम फिल कॉमर्स है ऐसो ये फॉर्म अगत हल तो 35% थी वो ठीक है 38% ये तुम्हें हर फील्ड लिखण मकसद यहाँ थे तुम्हें क्लेरिफिकेशन अच्छे फॉर्म फिल कह वो नेक्स्ट कह वो तो तुम्हें तवाजी फील्ड फिल थी वी तवाजी फॉर्म की जो है वो भी अपडेट रो एतरा परसेंट हाँ इतने ही रेफरेंसेस एड करना तुम कें रेफरेंसेस एड कद ठीक है उन्हें ही तुम्हारे फॉर्म अगत वी हिंसर मोट रेफरेंस ना तेरे मैं इन फॉर्म के इतने छदा तो हाँ हलूँ था पान हैक के पोर्टल की तरफ हैक के पोर्टल से फॉर्म कें भरबो वही इतने अचूँ था एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ छोजो हैक वाले पोर्टल की लिंक इतने मौजूद हुई हाँ पा हलूँ था हैक के पोर्टल से ये हैक जो पोर्टल है इनमें तुम पोर्टल ना ठहल तो तुम पे इतने रजिस्टर कद जी तुम रजिस्टर कद तो तुम्हें रिक्वायरमेंट्स घुरंद रिक्वायरमेंट्स घुरे तुम्हें पूरे फॉर्म को फिल कौ पोर्टल ठाए छी उत प्रोफाइल अपडेट कौ अकेडमिक कैरियर पी डेट तो जी एप्लीकेशन जो प्रोसेस हों वो सजो तुम फिल कौ तक अप्लाई करो ये तक अप्लाई करो ऐसो हाँ ही डैशबोर्ड अची वो ही जो है इनसाइड लेफ्ट साइड पे ये तक अचन था हाँ इतने स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में तुम अप्लाई कद सेम ही प्रोसीजर हों कुछ जो फॉर्म फिल किया फॉर्म फिल किया हैक की वेबसाइट से फॉर्म फिल कर जी तब फॉर्म पूरा कद तो तवी एप्लीकेशन एक्सेप्ट तवी एप्लीकेशन एक्सेप्ट तो उन
पोइ तव्हांजी टेस्ट थींदी। टेस्ट जो क्राइटेरिया तव्हां टेस्ट पास कराईंदा त इनशाला तव्हांजी सिलेक्शन बि यूके में थी वेंदी। उमेद था कयूं त घणे खां घणा सिंधी इन स्कॉलरशिप जो फ़ाइदो वठंदा ऐं जेके बि तव्हांजा मास्टर्स ग्रेजुएट्स आहिनि रिलेटिव्स आहिनि उन्हनि सां हीअ वीडियो शेयर कयो त जीअं हू बि हिन अपॉर्चुनिटी जो फ़ाइदो हासिल करे सघनि। उमेद आहे तव्हांखे हीउ प्रोसीजर सम्झ में अची वियो हूंदो त हाउ टू अप्लाई इन कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में कीअं अप्लाई कजे। वधीक इंफॉर्मेटिव वीडियोस जे लाइ असांजे चैनल सिंधी इंफोटेनमेंट खे लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो त जीअं अहिड़ियूं इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अव्हां ताईं पहुची सघनि। अलाह हाफ़िज़।